दिल्ली में हो रही हिंसा पर भले ही काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं हिंसा में कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को हिंसा भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इशरत जहां जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद रही हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर खुरिंजी में हिंसा फैलाने का आरोप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज शाम नॉर्थ ईस्ट SDM ऑफिस जाएंगे। केजरीवाल वहां अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लेंगे, साथ ही पीड़ितों को सहायता राशि भी बांटेंगे। हिंसा पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सुबह 11:30 बजे मिले। वहीं शुक्रवार को शिव विहार इलाके में एक और युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली में बढ़ती हिंसा को देखते हुए यहां के पुलिस कमिश्नर को भी बदला गया है। शुक्रवार को अमूल्य पटनायक की जगह SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर घोषित किया। दिल्ली पुलिस ने अब तक 148 FIR दर्ज की है, 630 लोगों को पकड़ा है, जिसमें कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा के लिए 7,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।